आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने आया हूं। गौर से सुनिएगा, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने आया हूं। जब एक छोटा बच्चा होता है, जो एक छोटा बेबी होता है, अब उसको अपने पेट में गुदगुदी करते हैं तो वो कैसे हंसता है? पूरा खिलखिला के हंसता है, पूरा नेचुरल हंसता है। क्या हम उसे कोई जोक सुनाते हैं या उसे कोई कॉमेडी नेट विद कपिल दिखाते हैं या कोई कॉमेडी मूवी दिखाते हैं? बेकार हंसता है। हम उसे कोई अच्छी लैंग्वेज भी बोलते हैं कि तू इतना अच्छा लग रहा है, वो देखो वो देखो, वो अकारण हंसता है। तो कहने का भाव ये है कि शब्दों में हंसी नहीं है, हंसी हमारे अंदर ही है, वो तो एक बहाना है। तो आज जो हम हंसेंगे वो अकारण ही हंसेंगे, है ना? वो एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा हंसता है। अब आजकल लोग इतने स्ट्रेस में है और लाफिंग से होता है, इसका बेनिफिट क्या है? सिंपल से एक शॉर्ट में बताता हूं। स्ट्रेस क्या करता है? आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। चिंताएं, परेशानियां, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, रिलेशन खराब हो जाते हैं। लेकिन हम हंसते नहीं है, क्यों नहीं हंसते? एक इमेज बना रखे हमने बच्चों से, पिता से जो बच्चों के साथ नहीं हंसेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मैं अगर से पागल होने का हंसा तो। क्योंकि एक बात है, अगर आपने गौर किया होगा तो गौर करता है, हम बाथरूम में ना सबसे रियल बंदे होते हैं, सबसे ज्यादा नेचुरल स्टेट में होते हैं बाथरूम में। जब हम नहाते हैं वो पता हल्का करके रहते हैं साथ उनको, लेकिन जैसे बाहर तो रहते हैं नहाने पार्टी के लिए चलते। तो ऐसा क्यों है कि हम दूसरों को दिखाना नहीं चाहते कि हम हैं क्या? हमारी हंसी इतनी बेकार है, जो हमें आनंद देती है हम उसको एक ढांचे में, एक जैसे लॉजिक लगा देते हैं हम। जैसे हमें हंसना होता है तो ऐसे कोई हंस रहा होता है कारण, तो हम पूछते हैं किस बात को हंस रहा है भाई, है? जैसे मैं हंसता रहता हूँ ऐसे, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों हंस रहा है? मैं कहा भाई हंसने का कोई कारण थोड़ी होता है, हंसने हंसी आ रही है, हंस रहे। तो ये क्लियर हो गया कि हंसने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, हमें बच्चों की तरह हंसना है। और इस 3 घंटे में तो बच्चे ही बन जाना है, यहाँ पे आपकी कोई इमेज नहीं है। आप गेट से बाहर जाएंगे तो आप कुछ भी हैं, यहाँ पे आप सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप है, जो आप जैसे आए थे बच्चे के रूप में आप वो है, ठीक है? तो शुरुआत करेंगे ताली से, मेरे को रिपीट कीजिएगा म्यूजिक स्लो। तो शुरुआत करेंगे, मैं आपके साथ ही रहूंगा और जितना पागलपन है ना सारा निकाल देंगे आज आपका, ठीक है? ठीक है, तो पहले ताली बजाएंगे। और जोर जोर से हंसना है, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को देख लीजिए, एक बच्चे की तरह कारण, कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक बैरिकेड लगा देते हैं, क्यों हंस रहे हो? बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं आप, एक बार तारीफ करते हैं सबकी। तो अब अगला करेंगे, हाथों को ऊपर उठा ले पूरी एनर्जी और पूरा जगह पूरा ऊंचा लगा दे, सेरोटोनिन लेवल ऊपर हो जाएगा, सारी डिप्रेशन स्ट्रेस सब दूर फ्री ऑफ कॉस्ट। Ooh, ooh, ah!
थोड़े से खड़े हो जाएंगे, थोड़े से खड़े हो जाएंगे, पूरा नहीं खड़ा होने का कहते हैं, पूरे में ना नुकसान है, पूरा कोई गलता नहीं है, पूरा हंसने को ना पूरा हंसते भी नहीं। तो नीचे से झकेंगे, दोबारा से बैठ जाए, थोड़ा सा बैठ जाए, ज्यादा मत बैठे। अब हम घर में अपने पत्नी के सामने, अपने पति के सामने, बच्चों के सामने शेर बनते हैं, है ना, लोगों के सामने शेर बनते हैं कि हम कुछ हैं, पावर में, पैसे में, सब कुछ में। तो आज हम एक दूसरे के सामने शेर बनेंगे, तो सिंहासन लगाएंगे, शेर की तरह गुर्राएंगे, पूरी ऊर्जा बाहर, पूरा अंदर से गंध निकाल दे। एक बार और, कोई शर्म नहीं, बैठ जाए आराम से। और अब मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा होने वाला है ये, क्योंकि जब मैं एक दो दिन पहले घर पे शुरू किया तो मैं खुद पागल हो जाता था और मुझे पता ही नहीं कि क्या है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारे थॉट्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, तो वो एक तरह का मेडिटेशन ही है। ये नहीं है कि हम एक घंटा बैठे मेडिटेशन करें, हंस ले पागलों की तरह, वो भी एक मेडिटेशन ही है, ठीक है। तो अब आपको पूरे बच्चे बन जाना है, कोई शर्म नहीं, अगर आपके एक दूसरे से शर्म है तो उसको छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पागलों की तरह हंसना है, जमीन पर लेटना है, कैसे भी बच्चों की तरह पागल हो जाना, पूरा पूरी बाहें खोल देनी अपनी प्रगति के लिए। बहुत हम आडंबरों में, बंधनों में रह चुके हैं, तो अब खुल के हंसेंगे, कोई लिमिट नहीं है पागलों की तरह। ये अपना जो ये हमने स्टैचू जो बना रखा है इसको छोड़ देंगे, पूरा बाहें खोल देंगे। दूसरा म्यूजिक, एक रुकिए, एक महिला ने ना सुबह सुबह बिना मेकअप अपना शीशे में शक्ल देख ली है और उसके पति ने भी देख लिया है, तो देखते वो कैसे हंस रहे हैं, हमें भी आकार हंसना है अपनी शक्ल देख के।
बजरंग बली की तरह अब इस सत्र का सबसे स्पेशल गिफ्ट आपके लिए, सबसे स्पेशल गिफ्ट है, पूरा एंजॉय करेंगे हम। किसी की चाची की मामी की लड़की की शादी में नहीं नाच पाए, है ना, किसी कारण से हेजिटेशन थी, कौन क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। मेरा गाना तो चला नहीं भैया, आपा तो नहीं जाएंगे, वो गाना चलेगा तो आपा निकलेंगे भैया, अभी नहीं बचा, अभी तो नहीं निकलेंगे। नहीं ये चाची जी बुलाना, एक बार थोड़ा सा डीजे पे कर दे, थोड़ा सा हाथ कर दे, मैं तो नाचने के लिए पूरा तैयार हूँ। तो आज सारी शर्म निकाल दे रही है, आपा दलेर मेहंदी जी के साथ एक बहुत बड़ी रूहानी जगत में चलेंगे, पागलों की तरह नाच रहे, कुत्तों की तरह, पूरी एनर्जी लगा दे रही है, पूरा पूरा भरपूर कर देना जी, पूरा छोड़ना नहीं अपने, कोई शर्म नहीं कैसा नाच रहा है, मैं देखूंगा, मैं भी पागलों की तरह नाचूंगा, कोई स्टेप नहीं, कोई स्टेप नहीं। ये देखना सुशीला जी कैसी नाच रही, कितनी गंदी लग रही है, दांत देखिए कितने पीले है, हमें ऐसे नहीं करना, हमें बिल्कुल मजे में करना, पूरे पागलों की तरह नाचना है, या कोई देखने वाला नहीं है, है ना। हिसार इतना बड़ा शहर है, अगर हम सब पागल इकट्ठे हो गए तो पागल बनती भी जरूरी है। कोई आपको पागल कहे तो इसका मतलब समझना, पागल का मतलब क्या है, हमें सिर्फ परसेप्शन बदल देनी है। पागल का मतलब है पैसे प्यार से गले लगाने वाला, है ना। पागल का मतलब हमसे हो गया प्यार से गले लगाने वाला, प्रेम बांटने वाला। तो अब हम दलेर मेहंदी जी के साथ पागल पंथ में पूरे उतरेंगे, जिसने आंखें बंद करनी आंखें बंद करनी है, और पूरा नाच देना, पूरा खींच के। उषा मां से मेरा कंपटीशन है कि किसका सत्र अच्छा होता है। तो आपने मेरी बेइज्जती नहीं करवानी आपने, ठीक है जी। मेरे को जी एडवांस पेमेंट मिल चुकी है हंसाने के लिए, तो और पेमेंट के लिए मेरे को और हंसाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पूरे खड़े हो जाइए एक बार, ठीक है जी। पूरी पागल उसने बढ़िया गानियां रिमिक्स गानियां पूरी पागल बंदी कर देंगे, आग लगा देंगे। पूरी मस्ती में सब बच्चे बन जाएंगे, बच्चे कैसे नाचते डीजे पे, पूरी सेलेब्रिटी में भी आगे जी मस्ती आपके लिए। Thank you.
धीरे से आराम से बैठ जाएं, सही आसन हो जो आपको कंफर्टेबल हो, आंखें बंद, सभी की आंखें बंद, दो तीन लंबी गहरी सांसें लेंगे, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। एक दौर आराम से बैठ गए, आंखें बंद करके सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, बिल्कुल शांत। अब आप पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब हम द मास्टर ऑफ मास्टर ओशो को सुनेंगे थोड़ी देर के लिए, सुनते हैं कि आखिर वो कह क्या रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ है। तो सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, 3 से 4 मिनट का डिस्कोर्स है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत फतेह की बात होगी, बहुत फतेह की बात होगी। तो सब अपनी आंखें बंद रखेंगे, अब हम ओशो को इजाज़त देते हैं। मंजिल है भीतर और मार्ग हम खोजते हैं बाहर, खोया है जैसे वह है भीतर, खोजते हैं बाहर। राबिया सूफी फकीर, अद्भुत सूफी फकीर स्त्री हुई, एक सांझ खोजती है अपने द्वार पर कुछ पास पड़ोस।